दादी जी की मीठी मधुर शिक्षाएं सदा हमारे साथ है। मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि दादी जी के अंग संग रहने का हमें मौका मिला। बचपन से ही हमें दादी जी की पालना मिली। जब भी स्कूल में छुट्टी होती थी और संडे को मैं दादी को मिलने जाया करती थी गाम देवी सेंटर पर। हमें याद आ रहा है कि दादी जी ने मुझे कहा कि महाबलेश्वर में प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, तुम चलेगी? तो वेकेशन था और मैंने तुरंत दादी जी को कहा, हाँ हाँ दादी, मैं आपके साथ वहाँ सेवा में ज़रूर आएगी। तो बॉम्बे से पूरी टीम जो है वो दादी जी के साथ गए। दादी जी ने पूरी लीडरशिप लेके बहुत सुंदर हॉल में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया और उसी समय बॉम्बे के गवर्नर मंगलदास पकवासा जी थे और दादी ने उनको निमंत्रण दिया और वो भी एग्जीबिशन देखने आए। दादी जी ने हम सब कन्याओं को प्रदर्शनी कैसे समझानी है उस पर ट्रेनिंग दिया और हम सब के अंदर उत्साह और उमंग भरा। और दादी जी ने कहा कि जो भी बहनें सबसे अच्छा प्रदर्शनी समझाएंगी उसको मैं प्राइज देंगी। और हमने देखा कि दादी जी खुद पूरा प्रदर्शनी के टाइम वहाँ रहते थे और जब हम पार्टी को समझाते लास्ट चित्र पर लाते थे और फिर दादी जी वहाँ सबको मिलती थी, अच्छी तरह से पालना देती थी और दादी खुद उनसे ओपिनियन लिखाती थी। तो महाबलेश्वर में दादी जी ने हमको इतनी अच्छी पालना दिया कि हमने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि हमें ऐसा ही सुंदर जीवन जो है वो अपनी बनानी है। दादी जी के जीवन में हमने सदा उमंग और उत्साह देखा। 1985 में यूएनओ ने इंटरनेशनल यूथ ईयर डिक्लेयर किया। उस समय हमारी माउंट आबू में मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में अनायासी मुझे विचार आया तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी, जब ये यूथ ईयर है तो हम सब यूथ मिलके एक पद यात्रा का आयोजन करें। तो दादी ने तुरंत वो बात को ले लिया और सभी को इतना उत्साह उमंग दिया और मेरा अनुभव दादी के साथ का सुना सकती हूँ कि दादी खुद 11 जगह से उस समय पद यात्रा का आयोजन किया गया, जैसे मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया, गुजरात से सोमनाथ मंदिर, आसाम से डिब्रूगढ़, नेपाल से खटमंडू, से ऐसी अनेक जगहों से पद यात्रा निकली और लास्ट में 24 अक्टूबर को 1985 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया और सभी पदयात्रा एक ही दिन में दिल्ली में प्रवेश किया। तो ये पूरा जो प्रोग्राम चला, दादी जी की ये विशेषता रही कि हम सब दादी जी को अनुभव लिखकर भेजते थे, दादी रिटर्न में हम सब को बहुत ही उमंग उत्साह दिलाती रहती थी और सबसे बड़ी बात, दादी 11 की 11 जगह पद यात्रा का
इनोग्रेशन करने गए, खुद ने माथे पर दादी कुंभ लेती थी और दादी थोड़ा पद यात्रा में थोड़ा चलती थी और स्टार्ट कराती थी। आज भी मुझे ये सीन याद आ रहा है कि इस पद यात्रा के बाद दादी जी के ब्लेसिंग से अनेका अनेक सेंटर खुले। कन्याकुमारी से दिल्ली 5 मास सभी ने ये पद यात्रा किया, अनेक सेंटर वहाँ भी खुले। बॉम्बे से दिल्ली 4 मास हुआ, बहुत सेंटर खुले। अनेक लोगों ने अपनी जो बुरी आदतें थी, चाहे टोबेको खाना, ड्रिंक लेना, सब उन्होंने छोड़ा और ये एक जीवन का वंडरफुल अनुभव हमारा दादी जी के साथ रहा। दादी जी को मैं पूछती थी, ये बात है 1975 की, तो दादी को मैंने कहा हमारे पास कवि भरत व्यास जी, कवि प्रदीप जी आते हैं, दादी हम उनसे गीत लिखवाए, क्योंकि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुरू से, स्थापना से ही जब प्रवचन शुरू होता है उनके पहले गीत जरूर रखा जाता है, संगीत को प्राधान्य दिया जाता है। तो दादी जी तुरंत मेरे को कहती थी, आप सुंदर ज्ञान के दिव्य गीत जरूर बनवाओ। तो आज दादी जी की प्रेरणा से जो गीत बने हैं वो इतने सालों के बाद भी हर एक सेंटर पर सुबह 7 बजे अंतर मन में ज्योति जगा लो गीत बज रहा है। दादी जी को मैं पूछती थी, दादी हम इस एरिया में यहाँ सेंटर खोले, दादी जी ने आज तक कभी हमें ना नहीं कहा। दादी जी और इनकरेज करती थी, हाँ जरूर खोलो। तो सचमुच मेरा ये अनुभव है दादी जी के साथ कि दादी जी ने हम सब छोटे छोटी बहनों को हर एक सेंटर संभालने के निमित्त बनाया है। आज हजारों सेंटर है, सब बहनें ही संभाल रही है, तो ये एक दादी जी की कहेंगी कमाल है कि दादी जी ने एक एक बहन को लीडर बनाया है। दादी जी ने सदा अपने को निमित्त समझा। माउंट आबू में भी जब हमारे ओम शांति भवन का इनोग्रेशन हो रहा था, तब सारे जर्नलिस्ट ने दादी से पूछा, दादी आप इतना बड़ा कारोबार संभाल रही हो, आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी ने इतना सुंदर जवाब दिया, दादी ने कहा कि मैं कभी ये समझती नहीं हूँ कि मैं कर रही हूँ, सदा ये समझती हूँ कि वही करण करावनहार आत्मा से, मुझ आत्मा से करा रहा है। तो सदा आप इसलिए देखेंगे, चाहे माउंट आबू में, चाहे ओम शांति भवन में, चाहे शांति वन में, ज्ञान सरोवर में, दादी के जहाँ भी जितने भी फोटो है, दादी का फोटो सदा स्माइलिंग फेस ही होगा। दादी हमेशा कहती थी कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। सदा दादी जी खुशनुमा रहती थी, सबको खुश में रखती थी। सदा दादी का हमने प्रसन्न चित्त चेहरा ही देखा है। जितनी दादी में महानता थी, उतनी ही दादी में निर्माणता थी।